फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप डेटा रोमिंग को इनेबल कर सकते हैं रियलमी C3 के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात और निश्चय करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको जाना है सिम कार्ड मोबाइल डाटा पर, इस पर क्लिक करेंगे आप। फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको सिम कार्ड पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप सिम टू में है, मेरा सिम टू में है, इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ से डेटा रोमिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप, ऑन कर देंगे तो फ्रेंड्स डेटा रोमिंग जो है ऑन हो चुकी है। आप इस तरीके से आप डेटा रोमिंग को इनेबल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा रोमिंग की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तभी हमको डेटा रोमिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब डेटा रोमिंग जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पंजाब जाना है तो आपको दिल्ली का नेटवर्क, जो आपका मोबाइल है दिल्ली का नेटवर्क का साथ छोड़ करके पंजाब का नेटवर्क पाने के लिए आपको डेटा रोमिंग को जरूरत पड़ेगी, भी आप इसको ऑन करके डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।